रही है। जिससे सालाना 3 लाख रुपए तक की आमदनी भी हो जाती है। मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दौसा का पहला और इकलौता किन्नू का बागीचा जो है, व्यापारी सीधे इस बागीचे से किन्नू खरीद कर ले जाते हैं। तो हमने लगा लिया, मेहनत करी, दिन में खूब आ गया किन्नू, खूब 2-3 साल से खूब आ रहा जी। साल में 2-3 लाख के हो जाते हैं। सुनीता और उनके पति के लिए सफर आसान नहीं था। परंपरागत खेती से मिलने वाला मुनाफा परिवार के खर्च के हिसाब से कम था। ऐसे में दोनों ने किन्नू का बागीचा लगाने का फैसला लिया, लेकिन दौसा का विपरीत मौसम किन्नू के लिए मुफीद नहीं था। दोनों को डर भी था कि कहीं उनका ये फैसला भारी न पड़ जाए, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव और सहयोग से दोनों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। ये जो बगीचा है किन्नू का, पर्वतक वास में लगा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की जो सलाह के बाद में इन्होंने लगभग 6 साल पहले बगीचा लगाया था और लगभग ये 100 पौधे यहाँ लगवाए गए थे। अभी इनमें बहुत ही शानदार फल आ रहा है, लगभग एक पौधे से 100 kg जो है किन्नू का उत्पादन ले रहे हैं। करीब 6 साल पहले 100 पौधों के साथ किन्नू के इस बगीचे को शुरू किया गया, लेकिन आज आलम ये है कि एक एक पौधे से 100 किलो किन्नू की पैदावार हो रही है, जिसे 30 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। न सिर्फ व्यापारी बल्कि आसपास के लोग भी यहां से किन्नू खरीद कर ले जाते हैं। लगभग 30 रुपए किलो के हिसाब से प्रति पौधा 3,000 रुपए तक की इनकम इनको हो रही है, और सालाना यदि आय की बात की जाए तो लगभग 3 लाख रुपए तक की इनकम हमारे किसान भाई ये ले रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर पुरोहितों का बास में किसान रंगलाल मीना का ये बगीचा मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हों और सही दिशा निर्देश मिले तो हालात भी सिर झुकाते हैं। इस किन्नू के बगीचे से आसपास के किसान भी मोटिवेट होने लगे हैं और वे भी किन्नू का बगीचा लगा रहे हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर की तर्ज पर अब दौसा में भी किन्नू के बगीचे देखे जा सकते हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, पुरोहितों का वास, दौसा।